तो आपकी दुल्हन कहाँ है छोटे दूल्हे राजा? हमारी है अमेरिका में। तो गाइस बस हमारी बिल्कुल हो चुकी है रेडी और चार भी हो चुकी है। एक एक हफ्ते में नहाने वाला बंदा है ये। मेरी आवाज आ नहीं रही होगी। कैसा लग रहा है अभी इस टाइम? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आई होप कि आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे कर रहे होंगे लाइफ का। तो आज है दशहरा, हैप्पी दशहरा टू ऑल, और आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे, मैं भगवान जी से यही प्रे करूंगा। और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ बहुत 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 गैस करो, चलो छोड़ो गैस मत ही करो। तो कहाँ गए? तो ये रहे, ये हैं हमारे पापा जी। तो पापा एक बार हेलो बोल दो सबको। हेलो। तो और ये है गोलू। हेलो। गोलू और पापा जी की तरफ से आप सभी को हेलो। तो पापा जी के यहाँ पे आने का एक मुख्य कारण ये था कि हमें कल शादी में बुला रखा था, किसी रिलेटिव की शादी में जाना था, तो हम वहाँ पे चले गए थे और रिलेटिव ने ये दिया। और इसमें है मेरे फेवरेट लड्डू, ऑरेंज वाले हैं, मैं भी आपको दिखा देता हूँ इसमें कौन से लड्डू हैं। आप देख सकते हो इसमें ये वाले लड्डू हैं और ये मेरे फेवरेट लड्डू हैं। तो वैसे अभी पापा का क्या बोलते हैं गला दर्द हो रहा है, तो अभी हम चाय बनाते हैं और चाय में डालते हैं तुलसी। तो गोलू चल मेरे साथ तुलसी ले लें। तो गाइस तुलसी लेने चलते हैं फिर हम। तो गोलू हमारे आगे और आज हमारे इंतजार में है मिस्टर टफी। टफी ने ना पापा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती कर ली है, पापा और ये काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। वो अरे मत करना उसे, शूज़ पहन लिए तूने? हाँ चल ठीक है। टफी, ओ टफी ने छींक मारी। तो साइड से आराम से आना, पूंछ मत दबाना उसकी। तो यहाँ से जाना है हमको तुलसी के पत्ते लेने, और आज धूप भी अच्छी आ रखी है। तो दोस्तों देखो मैंने आपको पहले भी दिखा रखे हैं। और ये डर क्यों रहा है उससे? लग रहा है ना मस्त। और रात को इतनी मस्त होती है ना इनकी खुशबू, बहुत ही बढ़िया लगती है यार। तो अब ये है हमारी तुलसी माता जी, तो यहाँ से हमने तुलसी लेनी है। जय हो तुलसी माता। एक दो और तीन, तीन तुलसी काफ़ी है। तो चलो चलते हैं। ये देख कितना मस्त लग रहा है ना। तुझे पता है इनमें रात को खुशबू आती है? ये वही वाला प्लांट है जिसमें तू पूछता नहीं था भैया रात को खुशबू किसमें आती है, यही तो है वो। क्या कर रहा है? अभी भी नींद से नहीं उठा है, वैसे नहाता तो है नहीं ये। कुछ भी क्या नहाता कहाँ है तू डेली? एक एक हफ्ते, एक गाइस ये एक एक हफ्ते में नहाने वाला बंदा है ये। वो झूठ बोल रहा है ये। इधर मुँह इधर दिखा, चल ठीक है। ये गाइस ये एक हफ्ते में नहाता है, एक हफ्ते में, और अभी भी नींद में है। तो अभी ये इंतज़ार कर रही है चाय का, और चाय इंतज़ार कर रही है तुलसी का। तो दोस्तों ये डाल दिए हमने इसमें तुलसी और गैच फिर से फंबल, गैस की आँच कर दी हमने कम, और तुलसी दिखाई गई अपना काम। बोल ये देखो मामा ने आपने क्यों खाए मेरे लड्डू? ये मेरा लड्डू है। गाइस आपको भी पता है कि जब मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था इसमें एक लड्डू था, और पापा ने मेरा लड्डू साफ कर दिया है। गाइस तो सतर्क रहे, सावधान रहे, और अपने घर वालों से ही परेशान रहे। तो गाइस आप देख सकते हो यही चीज़ जो है क्राइम पेट्रोल में आती है, अगर थोड़ी सी भी आपकी नज़र हटी तो सामने वाले आपके लड्डू खा लेंगे। तूने तो नहीं खाया मेरा लड्डू? तूने भी खाया होगा, तू खाएगा? पापा आपको वैसे खाना नहीं चाहिए था, वो मेरे हिस्से का था, पूरा खा लिया आपने। तो छोड़ो आप खाने दो। चलो गाइस अब ये थोड़ा सा बचा, अब मैं इसको अलग ही रख देता हूँ बिल्कुल, और चाय की अब थोड़ी सी आंच बढ़ा देते हैं हम। बढ़ा दिया है वैसे, ये मामा की और इसकी दोनों की बहुत जोड़ी बनती है हैं। और ये माला धर बॉय क्यों बन रखा है आज तू? कहाँ से? 20 रुपये की। गाइस ये 20 रुपए की माला है, देख रहे हो आप 20 रुपए की माला। चल इसे वो हिप्नोटाइज हो जाता तू? नहीं होता। ऐसे नहीं यार अपनी भाई, अब उबल रही है तो चाय को थोड़ी देर पकने देते हैं।
दोस्तों चाय हो गई है एकदम रेडी तुलसी वाली। गोलू चाय ले ले अपनी आगे अपनी, ये दोनों एक अपनी ले ले एक मामा जी की ले ले, ले उठा ले पापा को दे दे जाके। मेरे पापा गोलू के मामा लगते हैं, जलेगा तो नहीं ना उसमें तुम प्लेट में तुम हो जाएगा ना। तो दोस्तों अब हम लेते हैं इस चाय का आनंद। तो दोस्तों चाय वगैरह पी ली थी हमने और भाई आपका हो चुका एकदम रेडी, कैसा लग रहा हूँ कमेंट में ज़रूर बताना भाई को, लग रहा हूँ ना मस्त। और अब हम जा रहे हैं बारात में, एक्चुअली जो कल शादी बताई थी ना वो एक्चुअली में कल मेहंदी थी यार, उस टाइम ध्यान नहीं रहा। तो अभी हम जाएंगे बारात में, पापा रेडी हो चुके हैं, गोलू को भी अभी रेडी करना है उसके घर जाके, जब वो रेडी हो जाएगा तब फिर निकलते हैं वहाँ से। अभी देखते हैं पापा और कहाँ हैं। तो गोलू और पापा, पापा रेडी हो चुके हैं, गोलू अभी रेडी नहीं हुआ क्योंकि गोलू तो नहाते ही एक हफ्ते बाद है। पापा रेडी हो चुके हैं। तो पापा आप कैसा लग रहा है रेडी होने के बाद? ठीक ही ठीक है। पापा से कुछ भी बात पूछे तो पापा सिर्फ यही बोलते हैं ठीक ही ठीक है। तो गोलू तू कितना एक्साइटेड है शादी में जाने के लिए? बहुत ज़्यादा। माला धरने माला पहन ली है तो अपनी हायाबूसा वहाँ पर खड़ी है, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं फाइनली बारात स्थान पर। तो मेरे साथ मेरा भाई, देख रहे हो क्या तैयार होके आ रखा है भाई, बहुत मस्त लग रहा है गोलू। शर्मा रहा है गोलू, तो कोई नहीं इसे शर्माने दो। और अभी यहाँ पे देख सकते हो आप ढोल नगाड़ों की आवाज़ से बिल्कुल खतरनाक वाला सीन बन रखा है, एकदम मस्त गजब वाला। तो अभी देखते हैं दूल्हा, देखते हैं क्या कर रहा है हमारा दूल्हा। और अगर मैं दूल्हे की बात करूँ तो दूल्हे हैं मेरे मामा जी, मेरे अंकित मामा की शादी है आज, तो चलते हैं उनके पास। वैसे वहाँ पे नॉइस मतलब क्या बोलते हैं आवाज़ बहुत कम आएगी मेरी क्योंकि वहाँ पे ढोल बाजे बज रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मेरी आवाज आ नहीं रही होगी, माफ करना दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा छुप रखे हैं, चलो देखते हैं दूल्हे राजा को, कहाँ है दूल्हे राजा। हो रहे हैं हमारे दूल्हे राजा, तो दोस्तों ये वो बस है जो जाएगी हम बारातियों को लेके, आप देख सकते हो प्रशांत और शिवानी, और ये है बस। क्या बोल रहा अभी कोई नहीं है, मैं पहली सीट पर बैठा था। तो ड्राइवर की सीट पर बैठ जा। तो गाइस आप देख सकते हो ये बस है जो हम सबको लेके जाएगी, अभी तो बिल्कुल खाली है और कुछ ही पलों में ये पूरी बस भरने वाली है। और गोलू क्या बोल रहा है, तू पहली सीट पे बैठेगा? तो गोलू की सीट होने वाली है यहाँ पे बिल्कुल ड्राइवर जी के साथ में, तू ड्राइवर ही क्यों नहीं बन जाता? वो उसमें भी रेडी है। और अभी दिखा चुका हूँ मैं आपको वहाँ पे टीका की रस्म चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सारे बाराती बाहर आ चुके हैं, अंदर अभी तक चल रही थी टीका रस्म हमारी जो कि फिनिश हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब सारे बाराती इस बस में आएंगे, कुछ अपने व्हीकल से जाएंगे और मैं ये बस दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे पापा और गोलू ने अपनी सीट रोक ली है और यहाँ पे हमारे ये आप सामने देख रहे होंगे ये हमारी नानी जी हैं और उनके बगल में भी हमारी नानी जी हैं, तो ये सब काफ़ी लोग आके यहाँ पे बैठ चुके हैं और अब मैं भी जाऊँगा। और ये हमारे भाई लोग हैं आप देख सकते हो। और तो यार अब अपनी जगह रोकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, डांस वगैरह चल रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पे जाके व्लॉग नहीं बना पाया हूँ मैं क्योंकि यार वहाँ पे तो बिल्कुल आवाज़ आने ही नहीं वाली है। और आज देखो कतई सारे डैशिंग बन रखे हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, दोपहर का टाइम है आप देख सकते हो, धूप बिल्कुल बढ़िया वाली लग रखी है, तो मतलब ठंड वंड की तो दिक्कत ही नहीं है, काफ़ी मज़ा आने वाला है, दोपहर की शादी है ये। तो फिर अब चलो चलते हैं अंदर। ये पापा जी अपनी सीट रोक के बैठे हुए हैं और गोलू भी अपनी सीट रोक के बैठा हुआ है और हमारी नानी जी भी वहाँ पे अपनी सीट रोक के बैठे हुए हैं, नाना जी ने भी सीट रोक ली है। तो यहाँ पे जितने भी और लोग आएंगे वो यहाँ पे बैठेंगे अब आके, तो मैं बैठूँगा गोलू के बगल में। और कैसा लग रहा है अब आपको? ठीक लग रहा है, अब बढ़िया लग रहा है, अब नहीं लग रहा ठीक ठीक। तो और गोलू जी आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे गोलू उल्टी तो नहीं आती तुझे? तो गाइज अब मैं भी बैठता हूँ यहाँ पे। तो गाइज बस हमारी बिल्कुल हो चुकी है रेडी और स्टार्ट भी हो चुकी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे बैठ चुके हैं और पैक हो चुकी है सवारियाँ यहाँ पे। तो हम आपको सीधा वहीं मिलेंगे जहाँ पे ये बस हमें उतारेगी, और जो बस की डेस्टिनेशन है वो है बिल्कुल आपके ऋषिकेश। तो अब चलो गाइज चलते हैं आगे। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं, बस ने उतार दिया सबको और ये हमारे सारे बाराती उतर चुके हैं।
और वैसे जिस लोकेशन में अभी हम हैं वो है गुमानी वाला, जो कि पड़ता है ऋषिकेश में। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है भाई लोगों, और देख रहे हो ये है दूल्हे राजा की सवारी, और वो आपको दिखा दूँ मैं, वो है दूल्हे राजा। देख रहे हो सारे बराती यहाँ पे आ रखे हैं, यहाँ पे खाने वाने का है, पकौड़ी और चाय है। तो गाइस हमें ये छोटे दूल्हे राजा मिल गए हैं। तो आपकी दुल्हन कहाँ है छोटे दूल्हे राजा? हमारी है। कहाँ है? कहाँ है? अमेरिका में। तो इनकी दुल्हन है अमेरिका में। छोटे छोटे दूल्हे राजा, आप कुछ पेट पूजा नहीं कर रहे आप? अभी तो शादी इंजॉय करेंगे थोड़ा। अच्छा, थोड़ा इंजॉय करेंगे उसके बाद करेंगे हैं। तो ये थी हमारी खास बातचीत छोटे दूल्हे राजा से, और यहाँ पे सारे लोग आनंद ले रहे हैं चाय पकौड़ी का। और जो हमारे बड़े दूल्हे राजा हैं वो जरा यहाँ की तरफ गए हैं, टॉयलेट जा रखे हैं। वो टॉयलेट जा रखे हैं, अभी तो पहुँचे भी नहीं शादी में। नर्वस हो रहे हैं वो? हाँ, नर्वस हो रहे हैं। ओहो, आपको कैसे पता? पता है। आप छोटे दूल्हे राजा हो ना, इसलिए पता है ना आपको। तो दोस्तों ये है हमारे मामा जी, और आज इनकी शादी में मैं आ रखा हूँ। तो मामा जी कैसा लग रहा है अभी इस टाइम? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। तो देख रहे हो मामा जी अलग ही लेवल की मुस्कुराहट के साथ, चमक धमक है मामा जी के फेस पे। चलो मामा जी को एंजॉय करने देते हैं मामा जी की शादी में। तो जो ये हमारी यात्रा है ये शुरू हो चुकी है, और आप देख सकते हो दोस्तों वहाँ पे डांस कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये जो सड़क है थोड़ी सी तंग है, तो वहाँ पे नहीं आ पा रहे, और यहाँ पे लग गया है जाम। ये है हमारे दूल्हा, छोटे दूल्हा राजा। ये तो यार यहाँ पे पटाखे वटाखे फूट रहे ढंग से। यहाँ पे हर कोई धूम मचा रहा है अपने डांस से, और वो है हमारे दूल्हे राजा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे डांस हो रहा है, और जो जस्ट बिल्कुल मोड़ है वहाँ पे वेडिंग पॉइंट है। मैं दिखा देता हूँ अभी आपको दोस्तों, वेडिंग पॉइंट वहाँ पे है आप देख सकते हो। और तो अभी रिबन कटिंग सेरेमनी होगी वहाँ पे, और यहाँ पे जितने भी हमारे बराती हैं आगे बढ़ चुके हैं, और वहाँ पे देख सकते हो आप क्या धूम धाम हो रखी है यार। तो दोस्तों ये व्लॉग मुझे यहीं पे करना होगा समाप्त, क्योंकि वहाँ पे जाके व्लॉग बनाऊंगा तो डीजे की जो साउंड होगी, सॉन्ग होंगे, तो वो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो इसीलिए यहीं पे इस व्लॉग को करते हैं समाप्त। तो एंड करो। गोलू परेशान हो गया, आप गोलू का डांस करना है आप? तो यार अब मैं भी जाता हूँ डांस वांस करते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। Yeah.